प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट 6 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में अब हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत आवर्ती भी होता है, ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है ना, अनावर्ती होता है, ठीक है, अशांत अनावर्ती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कौन सा, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है शून्य एक अपरिमेय संख्या, तो पहला वाला ही असत्य दिख रहा है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें देखना है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर सदा अपरिमेय होता है, ये तो सत्य है। फिर बी नंबर कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है ये भी सत्य है। फिर कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल योग अंतर सदा अपरिमेय नहीं, हमेशा नहीं होता है। अगर हम मान लीजिए योग करें, अगर माइनस रूट थ्री में प्लस का रूट थ्री जोड़ें तो ये तो जीरो आ जाएगा, तो परिमेय ना आ जाएगा। तो यही एक कथन जो दिख रहा है सी नंबर असत्य है। क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, पांच में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन डी जो है यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे दिया है, इसको यहाँ लिख देते हैं फाइव प्लस रूट टू और इंटू में है फाइव माइनस रूट टू। अगर देखिएगा ना तो इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, आप जानते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली ये 25 और माइनस दो का रूट दो का स्क्वायर दो घटेगा तो 23 ना आ जाएगा, तो 23 एक परिमेय संख्या हो गया ना। चलिए, ये वाला परिमेय है। फिर छः नंबर कह रहा है यदि p बाई क्यू इस प्रकार हो कि q बराबर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, तो आपको लिखवा चुके हैं रूल में, तो ऐसा जो संख्या होता है वो क्या होता है, हमेशा शांत होता है, ठीक है, ये शांत होता है। क्वेश्चन नंबर सात देखिए, सात में कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो अशांत आवर्ती होने के लिए इसमें से कौन सा होगा आपका, तो ये वाला हो जाएगा ना, ये हाँ ये हो जाएगा, ठीक, डी नंबर, क्योंकि यह देखिए इसको तोड़िएगा ना नीचे, ये दो गुना तीन का स्क्वायर होगा, तो तीन आ गया ना इसमें, इसको तो काट लीजिएगा तो ये शांत हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस का दशमलव प्रसार शांत होगा, इसमें शांत आपको बताना है, तो शांत ये वाला हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाले को तोड़िएगा तो ये 23 बटा कितना हो जाएगा, 40 को तोड़िए तो 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी 2 का क्यूब और गुना 5, तो 2 और 5 के फॉर्म में आ गया ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा शांत। निम्नलिखित से कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या के लिए ये तो ये भी स्क्वायर है, ये सभी किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है, ये दिख रहा है 20 को तोड़िएगा तो 20 को तोड़िएगा तो 2√5 तो यही ना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ भी आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बात करना है। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या होगा, नहीं ये तो 1.3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा, हाँ ये वाला काटिएगा 5 आएगा 1/√5 ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2.01 फिर 00 हो जा रहा है, ये अशांत अनावर्ती दिख रहा है ना, तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या किस कौन सी नहीं है, इसमें ये आपको देखना है। तो ये भी अशांत अनावर्ती है, ये भी अशांत अनावर्ती है, दोनों तो परिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है, लेकिन अपरिमेय नहीं है ये पूछ रहा है, तो अपरिमेय ये नहीं है क्योंकि ये 5.25 के ऊपर बार है, यानी ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है, अपरिमेय नहीं है ये परिमेय होगा। 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 4/9 का, तो 0.4 के ऊपर बार हो जाएगा, ये तो सिंपल दिख रहा है, अब इसका पूछ रहा है, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया है कि सिंपली क्या करिएगा 55 और वाई में 99 आपको लगा देना है, इसको काटिए
11 55 11 9 5/9। फिर उसके बाद 12 नंबर में कह रहा है, सॉरी 15 नंबर में कह रहा है 0.2 के ऊपर बार, तो ये 2/9 ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 11/3 का दशमलव रूप है। तो अगर 11/3 को अगर भाग करिएगा तो देखिए क्या आएगा, 3 3 9, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, यहाँ से 3 से ले जाएंगे, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 0 लगेगा, ऐसे हमेशा रिपीट होते रहेगा। तो एक्चुअल में इसमें से तो कोई नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, इसका एक्चुअल में होगा 3.6666, ये रिपीट करेगा ना, यानी 3.6 के ऊपर बार होना चाहिए। तो यहाँ बार लगा के आप इसको ये सी नंबर तभी करेंगे, नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा, समझ गए ना, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो अगर 3.6 के ऊपर यहाँ बार लगा दिया जाए इस तरह से तब हो जाएगा, नहीं इनमें से रूट दो का दशमलव तो ये 1.41, ठीक है, ये वाला आएगा, सी नंबर हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं पाई कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। पाई का सन्निकट मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, निम्नलिखित में से रूट 3 का, तो 1.732 ऐसे करके आता है, तो ए नंबर हो जाएगा। यहाँ से देख रहे ना, ये ए नंबर हो जाएगा। 21 नंबर, निम्नलिखित में से रूट 2 और रूट 3 के बीच की एक परिमेय संख्या, तो रूट 2 का मान जो आता है वो 1.41, ठीक है, और रूट 3 का जो आएगा 1.73, तो दोनों के बीच में देखिए जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा आ सकता है, तो इसमें देख रहे हैं ना, ये डी नंबर हो जाएगा, इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखिए, 1/4 और 1/3 के ठीक बीच वाली संख्या, तो जोड़ के 1/2 बाहर लगा देना, यही नहीं करना बीच वाली संख्या निकालने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं, 1/2 ये एलसीएम लेंगे 12, इसमें से भाग करेंगे 3 3, जाके गुणा करेगा 3, और यहाँ आ जाएगा 4 4 3 7 7/24। चलिए पाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पाई के संबंध में हो जाएगा किसी वृत्त की परिधि और उसके उस वृत्त का है ना व्यास का अनुपात जो होता है वह एक नियतांक होता है और उसे हम लोग पाई से सूचित करते हैं, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके बाद कौन सा देखते हैं, 24, यहाँ दिया 64 का पावर -2/3 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो देखिए आपको करना क्या है, 64 का पावर -2/3 जो दिया है इसको एक काम करिए, 64 को लिख सकते हैं ना 4 का क्यूब -2/3, 3 3 काट दीजिए, ये नीचे आएगा तो 1/4 का पावर 2 यानी 1/16 हो जाएगा, समझ रहे ना, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए उसी तरह बनाइएगा, 25 नंबर, तो इसको भी लिखिएगा कितना 27 है ना, तो 3 का क्यूब और -2/3, 3 3 कट जाएगा, ये 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1/9 आ जाएगा। फिर 26 नंबर भी उसी तरह का है, 26 नंबर उसी तरह का है, इसको लिख देंगे 2 का क्यूब (4/3), 3 3 काट दीजिए, 2 का पावर 4 कितना होता है 16। फिर 27 में से कौन इसके बराबर होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 1/5 का पावर हो जाएगा 5 15, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, 5 का पावर -15, ये नंबर इसमें से इसके कितने के बराबर है, ये तो क्या करना होगा, बेस बेस इक्वल और गुना में तो पावर जोड़ देंगे ना, तो 4 का पावर 3/5 और दूसरा है आपका 7/5, ठीक है, 3/5 में 7/5 जुड़ेगा, तो 4 का पावर 7 3 10/5 हो जाएगा ना, काट दीजिए, दो बार में काट जाएगा, नहीं 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए ना किस तरह से। चलिए 29 नंबर देखिए, 29 में क्या दिया हुआ है, 29 नंबर में 1 का पावर -3/5 निम्न में से किसके बराबर होगा, तो एक्चुअल में जब माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा इस तरह से, ठीक। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना होगा, तो ये 5 करनी बन जाएगा ना, 1/5 √(a)³। ये देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 में दिया है बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो नीचे वाले में गुना हो जाता है ना, तो 7 3 21 का पावर 1/4, ये वाला हो जाएगा ना ऑप्शन, समझ गया। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव जितने थे सारे बन गए, ठीक है। तो अब अगला चैप्टर इसके बाद शुरू करेंगे,
इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें।